नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी तो भाई लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक सुपर नीच के ऊपर ठीक है इसमें मैं आपको एक नीच बताऊंगा जो कि काफी लो कंपटीशन है उसका और इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा आपको हाई ट्रैफिक कह है सकते हैं आप एक तरह से इजी टू रैंक है काफी आसानी से रैंक हो सकता है अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए प्रॉपर डायरेक्शन में तो इसमें ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है इसमें आपको कंटेंट भी ज्यादा आपको नहीं चाहिए लेंदी कंटेंट बोले तो ढाई हजार तीन हजार चार हजार पांच हजार वर्ड का कंटेंट नहीं चाहिए इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट जो है पांच से सात सौ वर्ड एन एफ है इसमें आप आराम से रैंक कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगाएगा क्योंकि एक नॉर्मल प्लेन ब्लॉग बनेगा फाइन आपके पास हो सकता है ऑलरेडी वेबसाइट हो जिसमें ये नीच ऐसा है जो फिट हो सकता है इसके ऊपर मैं आगे बताऊंगा कि किस वेबसाइट में ये नीच जो है वो वो फिट हो सकता है इसकी पूरी एनालिसिस जो है पूरा केस स्टडी जो है आपको मैं करके इस वीडियो में बताऊंगा तो हो सकता है वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच में हो अगर आपका टाइम है तो देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है अगर आप नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आपकी एक वेबसाइट है जो रैंक नहीं हो रही है उसमें अगर आप इन चीजों को ऐड करते हैं तो आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे तो इट्स अ मल्टी यूजफुल काइंड ऑफ नॉलेज इसमें आपको मिलने वाला है तो इसलिए थोड़ा पेशेंटली आपको देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा मेरी बातों को मैं क्या बोल रहा हूं क्योंकि मैं दस पंद्रह मिनट कंटिन्यू बोलने वाला हूं आगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है एक भाई ने हमारे सवाल भी पूछा था कुछ लगभग मैंने आधे घंटे पहले इसको ये किया है क्या बोलते हैं अप्रूव किया है इसको आप आंसर देना हो तो दीजिएगा अगर आपको आता है तो इससे उनको भी हेल्प मिलेगा और आपको भी थोड़ा इसमें एक्सपोजर मिलेगा कि किसी ने किया आपका थोड़ा सोशल मीडिया जो है वो आ, रीच जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा आपको एक आदत पड़ेगी अच्छी कि आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से चाहे आप फेसबुक पे करें कोरा पे करें या फिर किसी फोरम में जाके करें एक अच्छी आदत है जिसको बिल्ड करना चाहिए जिससे कि आपका जो रीच है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और फ्यूचर में ब्लॉगिंग के लाइफ में आपको एक रीच चाहिए ठीक है और मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है आप इसको फॉलो कीजिएगा देखिए क्योंकि आने वाले टाइम में जो है बैकलिंग की वीडियो ज्यादातर आपको इसी पे मिलेंगी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिलेंगे क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा इशू हो रहा है एक तरह के वीडियो डालने से फाइन अब चलिए बात करते हैं उस नीच के बारे में नीच जो हमारा है वो है नेटवर्थ का ठीक है नेटवर्थ में बहुत सारे कीवर्ड है आपको बताता हूं जैसे कि यहां सलमान खान नेटवर्क लिखा हुआ है एक कीवर्ड है अगर आप की को देखिएगा तो इस की में आपको हजारों लाखों ऐसे कॉन्टेंट मिलेंगे जिस पे आप काम कर सकते हैं मतलब कीवर्ड मिलेंगे जिसपे आप काम कर सकते हैं ये नेटवर्थ का एक एक रूट कीवर्ड है नेटवर्थ नेटवर्थ बोले तो ऐसा मतलब कि हर एक आदमी आप आदमी छोड़िए इस पे आइए सेक्टर्स में आइए जैसे कि एंटरटेनमेंट एक सेक्टर हो गया बिजनेस एक अलग सेक्टर हो गया स्पोर्ट्स एक अलग सेक्टर हो गया ठीक है आप पॉलिटिशियन एक अलग सेक्टर हो गया आपको जिसपे सही लगता है उस पे आप काम कर सकते हैं आपकी अगर वेबसाइट है सपोज कि आपकी वेबसाइट इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो उसमें भी इसको आप ऐड कर सकते हैं परफेक्टली फिट होगा ये बंदा मतलब कि ये कीवर्ड इस तरह के कीवर्ड जो है सलमान खान से रिलेटेड सलमान खान शाहरुख खान या फिर कोई भी खान हो या फिर देवगान हो या कोई भी हो इंडस्ट्री के वो आपके इंटरटेनमेंट में आसानी से फिट हो जाएंगे अगर आपकी वेबसाइट एजुकेशनल है तो भी उसमें ये फिट होगा क्यों क्योंकि इस कीवर्ड में दो तीन चार इंटेंशंस होते हैं पहला तो ये इंटरटेनमेंट में आ रहा है तो लोग जानने की क्यूरसिटी होती है कि, कि कितना इसका वैल्यू है फाइनेंशियली कितना कमाता है या फिर कितना कमाया 2020 में या फिर 19 में कितना कमाया था अभी इसके पास कितनी वैल्यू है ये एक क्यूरसिटी वाइज ढूंढता है एक होते हैं ढूंढने वाले जो कि नॉलेज के लिए ढूंढते हैं जो जिनको नॉलेज लेना होता है तो वो उस इंटेंशन से भी आता है ठीक है एक आता है मोटिवेशन के लिए लोग ढूंढते हैं कि भाई ये इतना कमा रहा है मैं क्यों नहीं कमा सकता हूं तो यहां पे इस कीवर्ड में दे आर डिफरेंट डिफरेंट तो इन इंटेंशन के हिसाब से आपकी वेबसाइट जो उसमें अगर फिट होती है तो उसमें डेफिनेटली डाल सकते हैं जरूरी नहीं कि आपकी वेबसाइट में आप सलमान खान या फिल्म इंडस्ट्री को ही डालें अगर आपकी वेबसाइट एजुकेशनल है तो आप उसमें पॉलिटिशियन को के नेटवर्थ को डाल सकते हैं क्योंकि एजुकेशन में पॉलिटिशियन का नेटवर्क एज ए जनरल नॉलेज में आ सकता है और बहुत जगह ये चीजें पूछी जाती पूछी भी जाती है कि कितना उनका सैलरी है या फिर कितना वो कमाते हैं कितनी उनकी अर्निंग रेवेन्यू है और क्या है उससे रिलेटेड एजुकेशन से आप उसमें डाल सकते हैं अगर आप मोटिवेशनल कुछ बनाते हैं वीडियोस उसमें भी आप डाल सकते हैं अगर आपका कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई आपका वेबसाइट है तो आप जितने भी क्रिकेटर्स हैं या फिर फुटबॉलर्स हैं उनके नेटवर्थ को डाल सकते हैं तो ये ऐसा नीच है जो कि बहुत सारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स में फिट हो सकता है आसानी से आपको वो डिवीजन ढूंढना है वो सेक्टर ढूंढना है जिसमें कि आपकी वेबसाइट में सिमिलैरिटी है ताकि उसको डाला जा सके इसका एक लाइव एग्जांपल आगे मैं देने वाला हूं एक वेबसाइट में जिन्होंने उस वेबसाइट पे डाला है है इसको ठीक अब ये इसका कीवर्ड का कॉन्सेप्ट है नेटवर्थ की वर्ड का कॉन्सेप्ट है चाहे यहां पे सलमान खान डालिए या फिर सचिन तेंदुलकर डालिए या फिर सिंगर डालिए कोई या फिर आप किसी पॉलिटिशियन का नाम डालिए या फिर आप किसी भी अलग सेक्टर का कोई भी नाम डालिए चाहे आप हॉलीवुड में आइए बॉलीवुड में आइए टॉलीवुड में जाइए कहीं पे भी जाइए हर एक नीच के आदमी है जो पॉपुलर है जिनकी नेटवर्थ लोग ढूंढते हैं और इसकी पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है थोड़ी बहुत नहीं बहुत ही कमाल का है और मस्त ट्रैफिक आएगा अगर आपने 25-30 आर्टिकल डाल दिए 25-30 लोगों का तो आई गारंटीड कि अगर आपने सही से आर्टिकल लिखा है खुद से लिखा है जेन्युन कॉन्टेंट डाला है तो पच्चीस में से पांच सात तो आसानी से रैंक होंगे बिना कुछ किए विदाउट एनी बैकलिंग ट्रस्ट में इतना पोटेंशियल इस नीच में ठीक है अब कुछ लोग सोच रहे हैं तो तुम क्यों नहीं बना लेते इस पर खुद की वेबसाइट भाई एक बंदा हर चीज पे काम नहीं कर सकता और इसमें कुछ पकड़ के हम बैठे हुए ऑलरेडी ठीक है तो अब चलते हैं बात की कीवर्ड के ऊपर बात करते हैं कि सलमान खान नेटवर्थ का क्या हिसाब किताब है आमिर खान का क्या हिसाब किताब है और कौन सी वेबसाइट आ रही है इसमें कितना ईजी है रैंक करना या फिर कितना डिफिकल्ट है रैंक करना और किस तरह की वेबसाइट रैंक कर रही है ठीक है जनरल यही क्वेरी होता है ना कि करेंगे तो रैंक हुआ कि नहीं होगा भाई मेरा इसमें ऑलरेडी ये साइट्स पड़ी हुई है मुझे आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ये चीजें का डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा फाइन अब बात जब आपको पहला दिखाता हूं यहाँ पे ये मैंने आमिर खान का ढूंढ रख, के रखा आमिर खान नेटवर्थ इसकी दो डिफिकल्टी है लगभग पंद्रह ग्लोबल सर्च इस पे होते हैं ठीक है सर्चेज देखा जाए सेवन पॉइंट सेवन थाउजेंड का इस पे सर्च है और देखिए तो आप ऑलमोस्ट हमेशा इसमें कुछ ना कुछ सर्चेज होते रहे हैं। ये मतलब कि एवरग्रीन टाइप का है ये ठीक है ये आमिर खान का दिखाया मैंने आपको इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये सलमान खान का है ये नेटवर्क आगे लगाया हुआ है बाद में भी लगा सकते हैं आप आप ये है है तीसरा आप तीसरा देखिएगा पता नहीं अभय का है। तो हर लेवल के एक्टर्स हैं हर लेवल के एक्टर के पॉपुलैरिटी के हिसाब से की की डिफिकल्टी है ठीक है यहाँ पे जीरो दिखा रहा है अभय देवल का इनका सलमान खान का दो दिखा रहा है अमिताभ बच्चन का हो सकता है तीन दिखाया चार दिखाए टॉम क्रूज का और जो बहुत ज़्यादा हॉलीवुड के ऊपर है उनका हो सकता है पाँच दिखाए दिखाए पंद्रह दिखाए तो उनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसको आपको टारगेट करना है पॉलिटिशियन में जाएंगे तो हो सकता है कम रहे ठीक है तो ये आपकी जिम्मेदारी ढूंढिए पॉलिटिशियन को भी आप नाम डालिए नेटवर्क लास्ट में लगाइए सर्च कीजिए और भी हाँ और भी मैंने आगे देखे कुछ सर्च किया था मैंने ये तो वेबसाइट है इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों में ठीक है ये आलिया भट्ट है

तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने आपको दिखाए इसकी डिफिकल्टी दिखाई अब इन कीवर्ड्स पे कितना आसान है रैंक करना दैट इज द मेन क्वेश्चन राइट अगर मैं बनाता हूं तो मैं रैंक करूंगा कि नहीं तो चलिए पहले से देखना शुरू करते हैं आमिर खान नेटवर्थ ठीक है इसकी दो डिफिकल्टी है पंद्रह हजार की अगर आप देखें तो इसमें सौ और मिलेंगे आपको उस पर भी आप काम को देख सकते हैं ये इट्स अप टू यू फाइन अगर आप लोगों को इनके पूरे कीवर्ड डिटेल चाहिए तो प्लीज कमेंट बताइएगा मैं आपको पूरा कीवर्ड ये चारों का मैं आपको उठा के एक्सेल शीट में डाल के आपको बोल दूंगा लेकिन कमेंट बताइएगा तभी दूंगा मैं ऐसे ही नहीं दूंगा ठीक है क्योंकि इंटरेस्ट होना चाहिए ना अगले का अगर आप नीचे आइएगा तो देखिएगा उसकी वर्ड पर टॉप टेन में ये दस वेबसाइट आ रही है दस वेबसाइट आ रही है तो ये दस वेबसाइट जो आ रही है इन दसों का क्या हिसाब करें कितने पावरफुल है पहला देखिएगा देखियेगा तो आरिफ रैंकिंग दिखा रहा है 1.3 मिलियन दूसरा हमारा डी आर यानी कि डोमेन रेटिंग इक्वेलेंट होता है और तीसरा यूआर छोड़िए उसको बैकलिंग और डोमेन्स और ट्रैफिक ट्रैफिक डी और ए ये तीनों चीजों तो को देखते हैं इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि साइट कैसी है और मैं बनाऊंगा तो होगा कि नहीं होगा राइट right. फाइन अब अगर आप इसमें देखिएगा सबसे कमजोर साइट अभी के हिसाब से ये तीस मिलियन वाला है ठीक है तीस मिलियन बोले तो ये मेरे ख्याल से छह महीना मैक्सिमम छ महीना पुराना होगा बहुत होगा तो ठीक है और इसका डीआर जो है चार है चार मतलब कि अभी भी मतलब उठा है तो उठना शुरू हुआ है काम हो रहा है Fine. तो ये एक वेबसाइट है जो कि कम आ, कमजोर है डी कम है इससे थोड़ा अच्छा वेबसाइट देखिएगा तो ये है दस मिलियन है जिसको टारगेट किया जा सकता है और 18 डीआर है ठीक है और एक जो आ रहा है वन मिलियन फोर्टीन जिसका डी है वो फ्यूचर निपिट में आ रहा है ठीक है तो ये फीचर कंटेंट में इसके इस तरह से इसने ऑर्गेनाइज किया है कि ये फीचर के तौर पे जो है फर्स्ट पेज पे आ रहा है देखा जाए तो ये फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा अगर उस हिसाब से आना होगा तो ठीक है तो ये अगर 30 मिलियन का 10 मिलियन का साइट 18 डीआर और 4 डीआर वाले आमिर खान के नेटवर्क की वर्ड पे जब फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं ठीक है तो क्या हम इनको फॉलो नहीं कर सकते है? कि कैसा लिखा है इसने और क्या किया है बैकलिंग काउंट देखिएगा तो जीरो बैकलिंग वन बैकलिंग इसमें है बाकी इसमें बारह बैकलिंग इसमें पांच बैकलिंग है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बैकलिंग को आप तीसरे चौथे नंबर पर रखिए बैकलिंग के पीछे उतना भागनी जरूरत तो नहीं है इस तरह के कंटेंट में ठीक है और ट्रैफिक की बात करें तो 58 ट्रैफिक सबको कुछ ना कुछ ट्रैफिक मिल रहा है टू डिजिट में फाइन आमिर खान नेटवर्थ आमिर खान ने सारे जो है उसी के कीवर्ड के हैं और ये रिचेस्ट बॉलीवुड एक्टर ये जो है ये अलग है ये पावरफुल वेबसाइट है सत्तर की है इसलिए ये एक्टर ये इस की वर्ड पे रैंक हो रहा है ठीक है तो इसको आप इग्नोर कीजिए लेकिन बाकी जितने भी हैं सारे इसी की वर्ड पे हैं शाहरुख खान ये भी छोड़ सकते हैं आप इसको के है जाहिर सी बात है कि एग्जैक्ट मैच पे नहीं आ रहा है मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है ठीक है जो हम की वर्ड ढूंढ रहे हैं उसके अलावा रैंक हो रहा है यानी कि दीज आर द गुड वेबसाइट्स तो बाकी जो है इनको देखिए तो आप इनको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये वेबसाइट ऐसी हैं तो ये रैंक हो सकती है ये मैंने आपको आमिर खान के ऊपर दिखाया अगर आप अगला हमारा सलमान खान वाला है सलमान खान पे हमारा दो कीवर्ड का डिफिकल्टी है फाइन अब दो में अगर देखते हैं सलमान खान पे तो यहाँ पे दस मिलियन है तीस मिलियन वाला साइड हो गया क्योंकि वो एक कीवर्ड वर्ड पर रैंक हो रहा था सलमान ये आमिर खान पे ठीक है लेकिन ये दस मिलियन वाला शाहरुख खान पे भी रैंक हो रहा है ठीक है अब इस पे सॉरी सलमान खान पे भी रैंक हो रहा है और इसको सात सौ छियासी से गुड गुड नंबर ठीक है जो हमारे कुछ कम्युनिटीज है उनके लिए काफी अच्छा नंबर होता है और ये सभी में अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है उसको फाइन और यहाँ पे अगला देखेंगे हम तो ये अभैदेवल का है अभैदेवल का जो देखा है तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से रैंकिंग कम है जाहिर सी बात है इनका पॉपुलैरिटी उतना नहीं है तो ये जीरो डिफिकल्टी आसानी से रैंक किया जा सकता है अब इसको रैंक करते हैं आप तो आप इसमें देखिएगा तो पॉपुलर की नहीं है इसमें आपको थ्री मिलियन जिसकी तीस डीआर है एक संतावन मिलियन है जिसका वन डीआर है ठीक है यानी कि ये अभी भी पैदा हुई है वेबसाइट पैदा हुआ बोले तो मुश्किल से एक महीना डेढ़ महीना हुआ होगा इसको आये हुए बहुत हुआ होगा तीन महीना हुआ होगा ठीक है अगर बंदा हो सकता सही से काम कर रहा होगा तो दो महीने में इतना काफी है तो भाई इस तरह की वेबसाइट जब फर्स्ट पेज पे आ सकती है इस तरह के की वर्ड पर तो आप क्या हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हम नहीं देख सकते कि इन्होंने क्या किया और हम हम उस सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं लेकिन जरूरी ये है जानना कि क्या ये ही कीवर्ड है जिसपे हम ये काम कर सकते हैं जीरो वाले और नहीं है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं बहुत सारे कॉमेडियन एक्टर्स हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं प्लेयर्स हैं हॉलीवुड हो गया बाहर की साइटें हो गई बाहर के प्लेयर्स हो गए देर आर एन नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जिसपे आप ये चीज लिख सकते हैं और ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे हैं जिनपे अभी तक लोगों ने लिखना स्टार्ट नहीं किया है इन्वेस्ट टाइम ढूंढिए कुछ टाइम दीजिए इसके ऊपर टूल्स यूज कीजिए और ढूंढिए और जिनपे नहीं लिखा है लोगों ने उसपे लिखना शुरू कीजिए उस पर रैंक करना शुरू कीजिए ट्रैफिक आए या नहीं आए डोंट बॉदर अबाउट ट्रैफिक ऑन दैट की वर्ड जिसपे की लोग नहीं लिखे हो क्योंकि ट्रैफिक नहीं आ रहा बात है वो फर्स्ट पेज पे आएगा तो आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होगी ट्राई टू अंडरस्टैंड वो फर्स्ट पेज पे आएगा आपकी बिल्ड होगी उसके बाद ही उस पर इंटरकनेक्ट करके कहीं ना कहीं से आप डेफिनेटली रैंक करना स्टार्ट करेंगे ठीक है ये तीसरा हमारा आलिया भट्ट का है इसमें भी जीरो है इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है आप नीचे करके देखिएगा 1.3 मिलियन आ रहा है 10 मिलियन आ रहा है 1.1 मिलियन आ रहा है तो ये साइट्स जो है वो छोटी मोटी साइट है नई वेबसाइट है देखा तो महीने महीने पुरानी वेबसाइट है, या फिर कुछ दो महीने पुरानी वेबसाइट भी इसमें से जो एक वन मिलियन का जो है ये, ये मुझे बहुत दिखा है दो तीन जगह दिखा है मतलब सी ए नॉलेज जब ये एक वेबसाइट है जो कि एजुकेशनल वेबसाइट है ठीक है यहां पे अगर होम पेज पे आएंगे तो ये इस तरह की चीजें बैंकिंग ऑनलाइन टेस्ट करिए दिस दैट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे पोस्ट में जाइएगा तो आपको यहां पे सलमा सैफ अली खा नेटवर्क ठीक है तो ये इसको मिक्स किया क्यों क्योंकि ये इसको एज ए नॉलेज ले रहा है मतलब लोग रवि किशन नेटवर्क इसको नॉलेज प्वाइज ले रहा है कि लोग नॉलेज के लिए इसको देखें स्टूडेंट आते हैं वो नॉलेज के लिए देखें जो जो लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं तो वो इंटरटेनमेंट व नीच वाले उस पर काम कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप यहां पे जाके इसकी साइड पे सर्च करेंगे आप हाँ नेटवर्क तो अब आपको देखिए बहुत सारे मिलेंगे अवि किशन है युवराज सिंह है मतलब कि भोजपुरी जो हमारा इंडस्ट्री है उसके बंदों को कैप्चर किया है ये हमारा आई थिंक तेलुगु सॉरी तमिल है रजनीकांत स्पोर्ट्स को कवर किया है एंड दिस आल्सो ये इंडस्ट्री यहां पे फीमेल एक्टर एक्टर सिंगर सभी को कवर किया है और इसको कवर करने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है रीजन ये है कि या तो ट्रैफिक कम है सॉरी कॉम्पिटिशन कम है या तो बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक है ठीक है तो कहीं ना कहीं इसने कुछ बेसिस पे फिल्टर किया है सचिन तेंदुलकर कहीं करना है सारा अली खान कहीं लिखना है और इसमें बहुत सारे 26 पेजेज है बहुत अब आप सोचिए कितने सारे पे कवर किया हुआ है ठीक है तो इस तरह से आप जो है इनकी वेबसाइट को देख सकते हैं बहुत सारी जो भी वेबसाइट्स यहाँ कॉम्पिटिशन में आ रही हैं इनकी दे, आप देख सकते हैं कि भाई कौन कैसा कर रहा है आप अपने हिसाब से आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से इसको आप डेफिनेटली फिगर आउट कर सकते हैं ठीक है आशा करता तो करते भाई लोग समझ में आ गया होगा बोलते बोलते मुँह दर्द होने लगा मेरा तो अच्छा लगा हो तो लाइक वेक कर दीजिएगा मिलते अगली वीडियो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ थैंक यू सो मच वॉचिंग बाय टेक केयर